हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम गूगल मैप के विजिट को समझेंगे और देखेंगे कि कैसे हम गूगल मैप के विजिट को अपनी वेबसाइट में यूज कर सकते हैं और कैसे गूगल मैप के अंदर अपनी लोकेशन ऐड कर सकते हैं और कैसे उसके अंदर CSS फिल्टर ऐड कर सकते हैं कुछ इफेक्ट के लिए, और कैसे हम गूगल मैप के अंदर जूम इन और जूम आउट का ऑप्शन को ऐड कर सकते हैं। इसके लिए हम आ जाते हैं अपने एलिमेंटर के डैशबोर्ड में, एंड डैशबोर्ड में आने के बाद यहाँ पर सिंपल हम एक कंटेनर लेंगे, और कंटेनर लेने के बाद हम यहाँ से मैप के ऑप्शन को सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद आपको विजिट नज़र आएगा गूगल मैप का, सिंपल इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे। और सबसे पहले आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पे लोकेशन का ऑप्शन दिया गया है कि जैसे आप यहाँ भी रहते हैं आप यहाँ पे सिंपल लोकेशन ऐड करनी है। जैसे कि मैं पाकिस्तान में रहती हूँ तो यहाँ पे पाकिस्तान सर्च करेंगे तो हमारे पास पाकिस्तान का यहाँ पे लोकेशन ऐड हो गई है। और यहाँ पे जो भी आपकी स्पेसिफिक लोकेशन है आप उसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ एड्रेस हो जाएगा, एड्रेस जैसे कि जंग है तो यहाँ पर आपका ये जंग नज़र आ रहा है। उसके बाद जूम, अगर हम इसको जूम करना चाहते हैं तो हम यहाँ से जूम को सेलेक्ट कर सकते हैं कि हम इसे जूम जितना भी जूम दिखाना चाहते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम हाइट को भी एडजस्ट कर सकते हैं, जहाँ पे हमें हाइट का ऑप्शन दिया कि हम जितने भी हाइट का अपना मैप रखना चाहते हैं तो यहाँ पर हम हाइट भी एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद स्टाइल के ऑप्शन में, हमें स्टाइल के ऑप्शन में CSS फिल्टर का ऑप्शन दिया जाता है कि यहाँ पर हम होवर का नॉर्मल कलर क्या होगा, होवर करने से क्या कलर होगा। तो CSS फिल्टर में जैसे कि हमें अगर हम इसको बिल्कुल लाइट सा करते हैं और उसके बाद होवर के अंदर इसको यहाँ पर डार्क सा करते हैं तो आपको इस टाइप का भी इफेक्ट डाल सकते हैं। आप गूगल मैप में हमें CSS फिल्टर का ऑप्शन दिया जाता है, और ड्यूरेशन में कितनी देर में ये हो तो हमें इसमें मैप में हमें यही ऑप्शन दिए जाते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे हम अपने डिज़ाइन में से यूज़ कर सकते हैं। कुछ इस टाइप का डिज़ाइन बनाकर हम मैप ना इसमें भी मैप के विजिट को इंपोर्ट कर ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, और इसमें भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर लोकेशन के नेम ऐड कर सकते हैं और हेडिंग वगैरह स्टाइलिश हेडिंग दे सकते हैं। हेडिंग का स्टाइलिश हेडिंग कैसे देंगे ये मैंने कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ एक वीडियो बनाई है टाइटल की, तो हेडिंग की, तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं कि कैसे हम एक डिजाइन वाला टाइटल हेडिंग दे सकते हैं और उसको कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं। तो मैप वाले विजिट में इतना है कि हम सिंपल हमें मैप के हमें यही ऑप्शन दिए जाते हैं।